बदबخت बेटा हैवान बन गया, जिसके बतन से जन्म लिया उसी को दरिंदगी का निशाना बना डाला, जिसे माँ का मुहाफिज होना चाहिए था वही इज्जत का लुटेरा बन गया। बदबخت बेटे ने अपनी जन्नत को जिनसी हवस की आग में झोंक दिया। दूसरे वाक्य कराची की दरिंदा सिफत बाप का है, जिसने अपनी मासूम कली को कुचल डाला। हैवान अपनी ही मासूम बेटी के साथ 2 साल तक ज्यादती करता रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपके अपने प्रोग्राम यूट्यूब का नया पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त सोबिया मलिक, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल MD न्यूज TV के साथ। व्यूअर्स, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। हमारी आज की कहानी भी हवस के पुजारी बाप की है। कराची का जिनसी दरिंदा इरशाद अहमद अपनी ही 16 साल मासूम बेटी मैमूना को 2 साल तक ज्यादती का निशाना बनाता रहा। मैमूना के हमला होने पर बाप की दरिंदगी का इंकशाफ घर में कोहरा। मासूम मैमूना ने अम्मा सुल्ताना को बताया कि उसके अपने ही सगे शैतान बाप ने उसे कहीं का ना छोड़ा। मैमूना की मां की दरख्वास्त पर कराची पुलिस सुपर हाईवे थाना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान बाप ही गुनाहगार निकला, जिस पर इस जिनसी दरिंदे इरशाद अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारी आज की दूसरी कहानी एक बदकिरदार हैवान की है, जिसने रिश्तों के तकद्दस को इस तरह पामाल किया कि इसकी विसाल शायद ही कहीं मिल सके। शादी के 4 साल बाद शोहर के इंतकाल के बाद सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करने पर माँ अपनी औलाद को बड़ा आदमी बनाने की अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट दिया। अपने बेटे को आला तालीम दिलवाने के लिए घरों में सफाइयां करती और रात को कपड़े सिलाई करती। आला तालीमी इदारे में दाखला दिलवाया, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बदबخت बेटा बुरी सोहबत के बायस नशे का आदी बन गया। नशे के लिए अपनी माँ को तशद्दुद का निशाना बनाता और घर से बाहर जाने पर इल्जाम लगाता। इस नशे के आदी हैवान बेटे ने उस पर ही बस ना किया, एक दिन नशे की हालत में अपनी ही माँ को दरिंदगी का निशाना बना डाला। दुखियारी माँ इस भयानक दुख का बोझ बर्दाश्त ना कर सकी और फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। इस हैवान के चचा ने पुलिस को वाकये की इत्तला दी। मकतूला का पोस्टमार्टम किया गया। मकतूला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने पर इसके साथ ज्यादती का इंकशाफ हुआ। अगले प्रोग्राम में एक दरिंदा भाई अपनी सगी 16 साल बहन के साथ ज्यादती करता रहा। इस बारे तफसीली वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। अपनी मेजबान सोबिया मलिक को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।